सम्मानित मंच और आतंकवाद को समाप्त कर भारत को ताकतवर देश बनाने वाले आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राजस्थानी संस्कृति को जीवंत करती हुई स्वर्ग सी सुंदर मेवाड़ की इस धरती पर मैं आपका सबकी तरफ से झुककर प्रणाम करकर स्वागत करती हूं। जोर से सब लोग स्वागत करेंगे तो सब लोग हाथ जोड़ करके आज हमारे बीच में आए हैं तो हमारी सबकी ओर से स्वागत इस मेवाड़ की धरती पर। इस अवसर पर श्रद्धेय सुंदर सिंह जी भंडारी को नमन, जिन्होंने जनसंघ की विचारधारा को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया। पूर्व सांसद श्री भानु कुमार जी शास्त्री को नमन, पूर्व विधायक श्री शिव कुमार जी सानाड्य जी, पूर्व मंत्री और मेरी साथी श्रीमती किरण महेश्वरी जी, पूर्व सांसद श्री महावीर बगोड़ा जी, पूर्व सांसद श्री हरिओम जी राठौड़, पूर्व विधायक श्री कल्याण सिंह जी और पूर्व मंत्री जीतमल जी खाट के साथ साथ मेरे भी सहयोगी पूर्व विधायक श्री गौतम लाल जी मीणा का भी मैं पूरी श्रद्धा के साथ आज प्रणाम करना चाहूंगी। माननीय गृह मंत्री जी, उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, इसकी पहचान, इसकी शांति, इसका सद्भाव, इसका प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छता है। आपने कश्मीर के अंदर आतंकवाद खत्म कर दिया और वहां तो शांति का एक नया कश्मीर बना दिया है, पर राजस्थान का कश्मीर कहा जाने वाला उदयपुर अशोक गहलोत के नेतृत्व में आतंकवाद के भेंट चढ़ चुका है। सब लोग जानते हैं कि एक साल पहले 28 जून 2022 को कन्हैया लाल जी का गला काट कर जिस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, उसकी वजह से पूरा राजस्थान कांप उठा था। पर इंसानियत को तो तार तार करने वाले इस मामले में भी अशोक गहलोत जी तो वोट और राजनीति की पॉलिटिक्स अभी भी कर रहे हैं। राजस्थान की कानून और व्यवस्था गहलोत जी आपकी है, क्या आपको पता नहीं है कि उदयपुर में बिहार से, वेस्ट बंगाल से, उत्तर प्रदेश से कट्टरपंथी आकर धार्मिक उन्माद और कट्टरता फैलाने का हमारे इस उदयपुर और राजस्थान के अंदर काम नहीं कर रहे हैं? मैं बधाई आज देना चाहती हूं आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने 9 साल के अंदर अंदर एक स्वर्णिम काल के अंदर ये आतंकवाद का सफाया करने का इस हिंदुस्तान के अंदर काम किया है, जिसका आप अगुवाई करते हुए रहे हो। 9 वर्षों के अंदर मोदी जी ने करके वो दिखाया जो आज तक गैर भारतीय जनता पार्टी की 9 सरकारें नहीं कर पाई। यह आपके सबके सामने है। आज देश में हर व्यक्ति मुक्त कंठ से यह कहता है कि मोदी जी के 9 साल और भारत हुआ निहाल। ये सब लोग जहां जाओ, चाहे राजस्थान में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी चले जाओ, अभी मैं झारखंड में थी, सब लोग मुक्त कंठ से साथ यही बात करते हैं। एक वो वक्त था भाइयों जब अमेरिका भारत को तवज्जो ही नहीं देती थी, और आज वही अमेरिका है जो मोदी जी के स्वागत में एक पैर पे खड़ा हुआ अपने को दिखाई दिया। आप सबने देखा वीडियो पे, टेलीविजन पे, सब पे देखा कि किस तरीके से पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत अमेरिका में किया गया है। मोदी जी ने 9 साल के अंदर देश से गरीबी हटाने का काम किया है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विदेश के बहुत सारे
फंड हैं और बहुत सारे एनजीओज हैं जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है। आज जो सुविधा अमीर को मिल रहा है वही सुविधा हमारे गरीब को भी मिलना है। अमीर के रसोई के अंदर अगर एलपीजी गैस का कनेक्शन है तो हमारे घर के गरीब के घर में भी उज्ज्वला की वजह से वो सुविधा हमारे गरीबों को मिल रही है। बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर जहां अमीर लोग अपना इलाज करते हैं, उन्हीं अस्पताल के अंदर आयुष्मान भारत के अंतर्गत गरीब का भी इलाज बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा है। चाहे वो धन जन धन योजना हो, उसमें 50 करोड़, पीएम गरीब कल्याण हो, उसमें आपके 80 करोड़, और पीएम किसान समृद्धि योजना हो, उसमें 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ आज मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 12 करोड़ शौचालय जगह जगह पे बने हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। कश्मीर के अंदर धारा 370 जैसा वादा किया था वो हटाने का काम आप लोगों ने किया है, और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बहुत बड़े बड़े फैसलों ने सिद्ध कर दिया है कि मोदी सरकार के संकल्प से आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। कितनी बड़ी बात है भाइयों, मोदी सरकार में देश के हर व्यक्ति का उत्थान हुआ है। लेकिन यहाँ की गहलोत सरकार को पिछले 4 साल के अंदर खुद का उत्थान करने में वो लगी हुई है, गरीब को तो भूल गई है, परंतु किस तरीके साथ 4.5 साल में अपना उत्थान, अपने मंत्रियों का उत्थान किस तरीके से करना है, उसकी तस्वीर आपको बहुत जोरदार तरीके से उनने दिखाया है। सरकार के तो मंत्री सार्वजनिक स्टेज के ऊपर खड़े होकर ये कहते हैं कि खुद की सरकार माने गहलोत जी की सरकार ने तो भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप कहीं भी चले जाओ राजस्थान के अंदर, वहां जहां जहां उनके मंत्री हैं, जहां जहां वो जीत के आए हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड भ्रष्टाचार का कायम कर दिया है। मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, परंतु उनके लोग भी जगह जगह के अंदर कोई काम नहीं करते बिना पैसों की। आप लोग सब जानते हो, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, किसी में कागज बनाने की कोशिश करो, कहीं भी आप लोग चले जाओगे तो आपने अगर कोई काम करने की कोशिश की है तो किसी का काम बिना पैसों के हुआ है क्या? किसी का नहीं हुआ है, और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार ने तो सीमाएं लांघ दी हैं जिस तरीके से इस समय हो रहा है। मैं भामाशाह, मुझे याद है कि अपन लोगों ने अपनी सरकार के समय भामाशाह योजना शुरू की थी, जिसमें अपन लोगों ने महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाया था। जैसे ही ये सरकार आई, इसने वो स्कीम को बंद कर दिया, और बंद करके महिला जगत का अपमान, घोर अपमान किया है, क्योंकि हमने अपनी महिलाओं को अपने परिवार की मुखिया बनाने की कोशिश की थी और उसके हाथ में पैसा कार्ड देने का काम किया था। उसको बंद करके हमारी महिलाओं को अपमानित करने का काम इन अशोक गहलोत की सरकार ने और अशोक गहलोत जी ने किया है। मुफ्त इलाज कराने का काम हम लोगों ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा किया था, आपको याद होगा, उसको भी बंद कर दिया और चिरंजीवी योजना के नाम से एक योजना शुरू की है। उस योजना के अंतर्गत गरीबों का फ्री इलाज होना चाहिए, परंतु उस योजना के अंदर तो क्या, गरीब तो बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर तो घुस ही नहीं सकता है। आप सब यहां बैठे हुए, आप लोग सब कहीं ना कहीं भुगत भोगी होंगे, हुए होंगे। कहने को तो दिखावे में इन्होंने ये कह दिया है कि 5 लाख से अब हम 25 लाख रुपया देंगे, परंतु ये कहने से क्या मतलब है, जबकि हम और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 4 सालों के अंदर 11,000 से ज्यादा किसी भी गरीब के इलाज के ऊपर खर्च नहीं किया गया। यह सच्चाई है भाइयों बहनों, और मरीज के ऊपर तो खर्चा नहीं किया है, और इतनी ज्यादा पैसों को इधर उधर फेंक फाक के काम किया है, इतने सारे योजनाओं को बंद करने का काम कर दिया है, इतनी सारी योजनाओं का नाम उन्होंने बदल दिया है, और एक बहुत बड़ा काम जो आप लोग सबने वहां देखा होगा, और तो और धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। आप लोगों ने अपने क्षेत्र के अंदर भी देखा है, पूरे राजस्थान के अंदर ये आवाज जगह जगह उठ रही है।
महिला अत्याचार के बारे में जितना कम बोलो उतना ही अच्छा है, क्योंकि सब महिलाओं को मालूम है कि कितनी परेशानी उनको ही नहीं बच्चियों तक को हो रहा है। युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता आज मिल रहा है? किसी को मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता? मुझे मालूम है कि 3% लोगों को देना है, पर किसी भी युवा को मैं नहीं समझती हूं कि अभी मिल रहा है। इसलिए हमें अब हर बूथ पर मोदी जी की उपलब्धियों को, गहलोत सरकार की नाकामियों को और हमारी पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार की कामों को याद दिलाने का काम करना है। भाइयों और बहनों, उदयपुर की अगर बात करो तो उदयपुर के अंदर भी कितने सारे काम हुए हैं तब से लेके आज तक, बताओ अगर और काम इस सरकार ने किए हैं। आपके पार्क बने हैं, ऑडिटोरियम का निर्माण हुआ है, झील का संरक्षण हुआ है, सज्जनगढ़ की लाइटिंग हुई है, अब है कमांड सेंटर है, एलिवेटेड रोड है, अब है इसके 9,000 करोड़ की सड़कें बनी गई हैं, 9,000 करोड़ की सड़कें बनी गई हैं, और आयट का सौंदर्यीकरण हुआ है। और मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये पानी पिलाने का काम देवास और मानसी वाकल परियोजना फेज 1 और 2 पूरा करके कुछ हद तक जल संकट को मिटाने का काम हमारी पिछली सरकार ने किया था। यहाँ के आपके लोकप्रिय सांसद अर्जुन लाल जी मीना भी इस लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से बीमार होने के बाद भी पूरी तरह से जुटे हुए, आप लोग सबको मालूम है। और आदरणीय गृह मंत्री जी, हमारे उदयपुर से ये मैं समझती हूँ कि अपनी पहली सभा है जिसके अंदर वो हमारे बीच में नहीं है। भाई साहब, आज आपके सानिध्य में असम के गवर्नर बने हुए हैं, और हम लोग फिर भी हमारा मान सम्मान इतना बढ़ाया है वो वहाँ पहुँच के, परंतु फिर भी उनकी कमी हम लोगों को महसूस होती है। और आज मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो भाजपा का संगठन मेवाड़ में खड़ा किया गया है उसमें गुलाब जी भाई साहब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज विधानसभा के चुनाव भी बहुत करीब आ गए हैं, 4.5 साल तक जनता का शोषण और खुद का पोषण करने का काम अशोक गहलोत ने अच्छी तरह से किया है। राहत के ठंडे छींटे दिए और बहुत बड़ा दिखावा किया है कि हम पैसे इधर बांट रहे उधर बांट रहे हैं, पर 4.5 साल में जो शोषण हुआ है वो प्रदेशवासी कोई भूलेगा नहीं, मुझे ये विश्वास है। ये भी नहीं भूल पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छे काम किए थे और हर व्यक्ति को लाभ भी पहुंचाया था। अब समय बहुत कम बचा हुआ है, इस पल से हमको, आज से हमको संकल्प लेकर जुटना है, जीत का विश्वास लेकर कमल को फिर से खिलाना है। पर प्लीज अत्यधिक आत्मविश्वास में मत रहना, क्योंकि घर बैठे गंगा कभी नहीं आती है, हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। परंतु आज जब यहां से जा रहे हो तो हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी को आप लोग संकल्पित होके आश्वस्त कर दो कि कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे, और बहुत जोरदार तरीके से इस मेवाड़ के क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर जोरदार तरीके से भेजने का हम लोग काम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि एक एक व्यक्ति इसके अंदर जुटेगा, अपने अपने क्षेत्र में वापस जाओगे, बूथ पे जाओगे, लोगों से मिलोगे, और इस काम के लिए अपना घर बार छोड़कर अगले 3 महीने के अंदर जोरदार तरीके से लगोगे। मेरा हाथ ऊपर करके मेरे साथ जोरदार तरीके से आप इनके सामने ये बता देना कि एक एक आदमी संकल्पित है, भारतीय जनता पार्टी, जोरदार आवाज, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आपको मेरा बहुत सारा प्रणाम और बहुत सारा प्यार।